I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come, and response will come differently. Sab ek hain. Now it is time for India to wait for our response. The response will come at the point and time of our choosing, where our civil military leadership decides, and as a matter of fact has decided. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. And I am telling you, please wait. Response will be in all domains, inshallah. قوم متحد بھارت سرپرائز کا انتظار کرے جگہ اور وقت کا انتخاب خود کریں گے فوجی اور سیاسی قیادت نے فیصلہ کر لیا ہر سطح پر رسپانس دیں گے پاک فوج کا انڈیا کو منہ توڑ جواب مسلح افواج اور قوم ہر قسم کی مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے تیار رہیں وزیر اعظم کا حکم نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس کل طلب पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन भी है प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग भी बुलाई है एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेशनल कमांड अथॉरिटी अब प्राइम मिनिस्टर ने आज की मीटिंग में कहा आर्म फोर्सेस को भी तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर को भी 207 मिलियन पॉपुलेशन को भी गेट रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी सब एक हैं नाउ इट इज टाइम फॉर इंडिया टू वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स दुश्मन ने तीन मकामात पर कोशिश की पाक फजाइया के अलर्ट होने के बाद स्ट्राइक नहीं हो सकी तैयारे एलओसी से 4 से 5 नॉटिकल माइल अंदर आए जाबा में 4 बम गिराए कोई नुकसान नहीं हुआ हिम्मत है तो आए 21 मिनट हमारी फजाई हदूद में रहकर दिखाएं झूठ का जवाब सच से देंगे DGISPR का करारा जवाब जवाब हम झूठ से नहीं हम झूठ का जवाब सच से देंगे किधर है वो 350 टेररिस्ट किल्ड किधर है वो बिल्डिंग जो ने डिमोलिश की है झूठ का जवाब हम झूठ से नहीं हम झूठ का जवाब सच से देंगे भारतीय मीडिया पर चलने वाला क्लिप 3 साल से YouTube पर मौजूद दावे झूठ जाए वकूआ सबके लिए खुला है 350 अफराद की लाशें और तबाह शुदा इमारतें कहां हैं दुश्मन को हर महाज पर मुंह की खाना पड़ेगी मेजर जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय तैयारों का हदफ कुछ और था पाक फजाइया के रिस्पॉन्स की वजह से कामयाब ना हो सके भारतीय सियासतदान और सहाफी आए हकीकत खुद देख लें जज्बात में आकर किसी के हाथ में नहीं खेलेंगे DGISPR की मीडिया ब्रीफिंग के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू अजली दुश्मन की जा रही याद पूरी कौम मुत्तहिद भरपूर जवाब दिया जाएगा कौमी सलामती कमेटी इजलास में फैसला معاملہ اقوام متحدہ سمیت عالمی فورمز پر اٹھایا جائے گا عمران خان کی گفتگو بر وقت کارروائی پر پاک فضائیہ کی تاریخ جارحیت ہے پاکستان کے خلاف پاکستان ریسپونڈ کرے گا یہ سچویشن انفولڈ ہو رہی ہے ایٹ دی پولیٹیکل لیول ایٹ دی ڈپلومیٹک لیول اینڈ ایٹ دی ملٹری لیول पाकिस्तान मनसूबा बंदी भी कर रहा है और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड भी करेगा भारतीय दावों पर जवाब वज़ीर ख़ारिजा ने सफारती महाज संभाल लिया अमरीकी हमनसब समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं से राबते खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे वज़ीर ख़ारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडियन जहाज 3 मिनट में पसपा होकर भाग गए वज़ीर दिफा का बयान ملٹری لیڈرشپ ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ہندوستان کے عزائم کو پڑھنا ان کو گیج کرنا اور اس پہ رسپونڈ کرنا کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس نوعیت سے کرنا ہے دیٹ از دا ٹیسٹ آف لیڈرشپ فضائی حدود کی خلاف ورزی پاکستان کا بھارت سے شدید احتجاج قائم مقام ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی مراسلہ حوالے من گھڑت دعووں کا مقصد بھارتی عوام کی خوشنودی مودی سرکار انتخابی فوائد حاصل کرنا چاہتی ہے ترجمان دفتر خارجہ کا بیان بزدل دشمن تاریکی میں چوروں کی طرح آیا جاگتے شاہینوں نے مار بھگایا بھارتی ایئر فورس کی در اندازی کنٹرول لائن کے خلاف ورزی پاک فضائیہ کا فوری اور بروقت ایکشن بھارتی جہاز بدحواسی کے عالم میں بھاگ نکلے
लोग कह रहे हैं इधर स्ट्राइक किए तो है कोई, इधर कुछ भी नहीं है, नुकसान किसी का भी नहीं हुआ। इधर हमारे इलाके में इलेक्शन है, सब लोग हमारे को मिले हैं इधर के, सब लोग खैर खरीद है, बिल्कुल कोई चीज़ भी कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे एक उधर छिनकियारी में आए हैं ना, उन्होंने बताया भाई उधर भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, मोहल्ले में किसी का कोई नुकसान भी नहीं हुआ, नुकसान कोई नहीं। जिला मानसेरा की तहसील बालाकोट के इलाके जाबा में जिंदगी मामूल के मुताबिक, स्कूल खुले रहे, करीबी इलाके में जिमनी इलेक्शन पर आम वोटिंग, पहाड़ों से पत्थर तक न सिरके, भागते भारतीय तैयारे बदहवासी में सामान, खेतों में ही फेंक गए एक मकान को मामूली नुकसान। सबसे पहले सबसे तेज का एजाज बरकरार, टीम दुनिया जाबा पहुंच गई, भारतीय दावे बेनकाब, फुटेज ने पोल खोल दिया, सब कुछ नॉर्मल, इलाका मकीनों के हौसले बुलंद। भारतीय जारहियत का जवाब देने के लिए सियासतदान यकजुबान, मक्कार दुश्मन को मुअस्सर जवाब देने की तैयारी, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमे रात को तलब, वजीर आजम ऐवान को एतमाद मिलेंगे, आला सतह इजलास में हिकमत अमली पर मुशावरा, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का भी इजलास में शिरकत का फैसला। ज्वाइंट सेशन बुलाएं, दो दिन चलाएं, तीन दिन चलाएं, आपको आप चाहते हैं कल तो खैर ज्वाइंट सेशन इंशाल्लाह होगा अल्लाह के हुक्म से, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हम एक तारीख रकम करें और अगर मुमकिन हो आज की तारीख में हम करें, चाहे बेशक रात के 12 बज जाएं, लेकिन आज हम ज्वाइंट सेशन करें। नई दिल्ली पर पाकिस्तानी परचम लहराने की सलाहियत मौजूद, लेकिन हम चाहते हैं ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। हुकूमती अरकान की धुआंधार तकारीर, अपोजिशन का भारतीय वजीर खारजा को बुलाने पर OIC इजलास के बायकॉट पर जोर। 45 साल तारीख जो है इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की, उसमें पहली दफा भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से बुलाया जा रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात में। मैं समझता हूं कि इस मौके पे हमें OIC का भी बायकॉट करना चाहिए इस मीटिंग का। भारतीय वजीर खारजा को OIC इजलास में शिरकत की दावत, शाह महमूद कुरैशी का मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब को फोन, फैसला वापस लेने का मुतालबा, इदारा मुसलमानों की आवाज, मजालिम करने वालों को बुलाना मुनासिब नहीं, वजीर खारजा का मौका। पूरी कौम पाक अफवाज के शाना बशाना, मोदी सरकार खित्ते को आग में झोंकने से बाज रहे, पंजाब सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों में करारदादें मंजूर। भारतीय दरअंदाजी के बाद सियासी क़यादत मुत्तहिद, LOC की खिलाफ वर्जी पर नवाज शरीफ का इजहार मज़म्मत, शहबाज शरीफ महाज़े जंग पर जाने को तैयार, कौम फौज के साथ जारहियत पर भरपूर जवाब दिया जाएगा, आसिफ अली जरदारी का बयान, आने वालों को जाने नहीं देंगे, कश्मीर आज़ाद कराया जाएगा, चौधरी बिरादरान की मज़म्मत। भारत पुलवामा जैसे हमले खुद कराता है, इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देता है, परवेज मुशर्रफ का रद्देअमल, जब भी भारत में इलेक्शन आता है ऐसी छेड़खानी होती है, कोई भी मुहिम जुई दुश्मन को बहुत महंगी पड़ेगी, दिफाई माहरीन की वार्निंग। जारहियत का सकाफती महाज पर जवाब, पाकिस्तान में भारतीय फिल्म्स की नुमाइश पर पाबंदी, सिनेमा मालिकान ने बायकॉट का ऐलान कर दिया, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। दरअंदाजी का ड्रामा, भारतीय स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, इंडेक्स में 450 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी, इंडियन रुपए की कदर में भी कमी। खुशियानी बिल्ली खंबा नोचे, जारहियत में नाकाम भारत कश्मीरियों पर गुस्सा निकालने लगा, मकबूजा वादी में काबिज फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन, जगह जगह पकड़ धकड़, हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के घर पर छापा, गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन। पाक भारत कशीदगी, चीन का दोनों ममालिक को तहमुल से काम लेने का मशवरा, पाकिस्तान और भारत दोनों ही जनूबी एशिया के अहम मुल्क, दोनों को अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करना चाहिए, चीनी वजारत खारजा का बयान।
दौरा है भारत पर, रमेश कुमार को शो कॉज नोटिस। पीटीआई रहनुमा जाती हैसियत में भारतीय वज़रा से मिले। बैकडोर डिप्लोमेसी का इख्तियार किसने दिया, पोजीशन वाजे करें। हलीम आदिल शेख की मीडिया टॉक। मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह। बदउनवानी का खात्मा कौमी जिम्मेदारी। अरबों रुपए लूट कर बैरून मुल्क जाने वालों को वापस लाएंगे, चेयरमैन नैब का इजलास से खिताब। हुकूमत के पहले छः माह थे उसमें 426 मिलियन डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई थी। जो जो पीटीआई की हुकूमत है जी, स्टेट बैंक के डेटा के मुताबिक पहले छः माह में 1.073 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है। माशी सूरत हाल में बेहतरी के दावे लेकिन आदाद शुमार मुख्तलिफ। माली साल के पहले 7 माह में गुज़श्ता बरस की नस्बत बैरूनी सरमायाकारी 75% कम हुई। गैर मुल्कियों ने स्टॉक मार्केट से 42 करोड़ डॉलर निकाल लिए। अपोजिशन की तनकीद। आपको पता है पिछले साल हमने 5.8% तरक्की करी थी, वो इस बार 3% की हो गई। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो गया है, लोकल इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया है। जो अब फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको एक अनसर्टेनिटी का माहौल लग रहा है, क्योंकि अभी न्यू गवर्नमेंट आई है, ठीक है, उसको जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज और ये जो मैंने बजट और ये सब कुछ आस्ता आस्ता गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, सो देयर इज अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास, फंड्स न मिलने पर अपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। रावलपिंडी में पीर बधाई कब्रिस्तान के करीब मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर मियां बीवी जाम बहक। 2 साल बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया, अस्पताल मुंतकिल। कराची जाफर तैयार सोसाइटी में अलमनाक सानहा, 3 मंजिला इमारत गिरने से जाम बहक, 4 अफराद सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हलीम आदिल शेख समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। तकनीकी गलती या राबतों का फुकदान, अफगानिस्तान में फजाई मदद के लिए तलब की गई फोर्सेस की अपनी ही चेक पोस्टों पर बमबारी, 9 अहलकार मारे गए, 3 जख्मी। सियासी जमातों और धड़ों में लड़ाई, खारजा पॉलिसी के लिए जहर कातिल। ईरानी वजीर खारजा मुस्ताफी हो गए, जवाद जरीफ का सोशल मीडिया के जरिए ओहदा छोड़ने का ऐलान। किम जोंग उन से मुलाकात, अमरीकी सदर ट्रंप वियतनाम के दार हुकूमत हनोई पहुंच गए, शिमाली कोरिया के रहनुमा के साथ मीटिंग कल शेड्यूल्ड। अस्सलामुअलैकुम, खबर की दुनिया से मैं हूं सैयद आयशा नाज। मैं हूं बैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। हाय, इट्स सैयद आयशा नाज हियर। थैंक यू फॉर वाचिंग दुनिया न्यूज़। फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन। कीप वाचिंग दुनिया न्यूज़।